देखो केएल राहुल के इंजर्ड होने के बाद में ऐसा लग रहा था कि एलएसजी खोई हुई सी टीम लग रही है, क्योंकि यार एक तो इनका मैच रद्द हो गया था, ऊपर से एक मैच हार भी गए थे, तो 11 पॉइंट पे अटके हुए थे, लग रहा था कि अब ये आगे नहीं जाएगी। लेकिन फाइनली करनाल पांड्या ने कमान संभाली और आज दो वैल्यूएबल पॉइंट दिलाए। अरे यो जोगिंदर, थारा भाई जोगिंदर अगर आ गया गांव में तो तबाही मचा देगा, एक नंबर, पब्लिक ने सोची नहीं होगी। एसआरएच ने टॉस जीत के पहले बैटिंग करने का फैसला किया। अब यार बैटिंग में तुम्हें पता है दो बैट्समैन इनके ऐसे थे जो रन नहीं बना पाए, अभिषेक शर्मा और ग्लेन फिलिप्स, बाकी सब ने अपना अपना बखूबी योगदान निभाया और 182 के कॉम्पिटिटिव टोटल पे ले जाके खड़ा कर दिया। मैं तो थक गई भाई साहब, मैं तो फिर से थक गई, मैं तो तीसरी बार थक गई। एसआरएच की साइड से तो शायद ये स्कोर सही था, लेकिन जिस हिसाब का पिच था ना, उस हिसाब से मेरे को ऐसा लग रहा है कि कम से कम 20 से 22 रन शॉर्ट थे, क्योंकि यार एलएसजी के पास में धांसू बल्लेबाज जो थे। अब यार 183 का जो तुमने टारगेट दिया था वो तुम्हें तो पता ही है, एलएसजी की बैटिंग लाइन किस टाइप की है, आज भी वही हुआ। एक तो यार ये जो प्रेरणा देने वाला प्रेरक मानकर जो खिलाया ना एलएसजी वालों ने, ये तो यार एक अलग ही तुरुप का पत्ता निकला इनके लिए। अबे कौन है तू प्रधानमंत्री? फाइनली टीम को जीत दिलाने की जब बारी आई थी ना, तो वही दो वापस चले एलएसजी के लिए, मार्कस स्टोनिस और निकोलस पुरन। और निकोलस पुरन तो पता नहीं यार कौन सी एनर्जी के डोज लेके आता है, बंदा जब जब जरूरत होती है ना तो 300 के स्ट्राइक रेट से भी रन बनाने की कैपेसिटी रखता है, और आज भी वही किया, 13 बॉल में 44 रन बना के टीम को जीत दिला के गया। यार एडम माक्रम से मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, जब तुम्हारे पास में बोर्ड पे टोटल कम है, पिच तुम्हारा बैटिंग फ्रेंडली है, और दो दिन पहले नीतीश राणा ने जो गलती की थी वो आज तुम्हें फिर दोहराने की क्या जरूरत थी? जब दो लेफ्ट हैंडर खेल रहे हैं तो तुम्हें अभिषेक शर्मा को बॉलिंग देने की कहां जरूरत थी मेरे भाई? 31 रन खा के गया वो बंदा, वहीं तुम मैच हार गए पूरा। ऐसे ही सेक्सी लग रहा था। आवेश खान ने इनिंग के अंतिम ओवर में अब्दुल समद को एक फुल टॉस दे मारी, जो मेरे हिसाब से तो देखो नो बॉल होनी चाहिए, और वो नो बॉल ही थी, लेकिन फैसला गया डीआरएस मतलब थर्ड एम्पायर के पास में, और उसका तो तुम्हें पता ही है, पूरे आईपीएल में देखते हुए आई रहे हो, पता नहीं भाई कौन सा माल फूंक के बैठा है, उसने भी वो फेल डिलीवरी दे दी। बट माल इन्हें छोड़ना ही नहीं है, वहां तो प्यार है, इनका बस चले तो लीगल नहीं कंपलसरी करें, सब फूको। फिर होना क्या था, क्राउड भड़क गया, एसआरएच की जर्सी में बैठा हुआ क्राउड कोहली कोहली चिल्लाने लग गया, और कुछ उन्होंने फेंक भी दिया गोल। अब यार देखो मैच चल रहा था एसआरएच और एलएससी के बीच में, और तुम यार ये कोहली कोहली चिल्ला के हमारे गोती भाई को परेशान करोगे, ये तो जायज नहीं है, और ऊपर से तुम यार सुनने में आ रहा है कि नट बोल्ट फेंक दिए, अबे लाए कहां से तुम? बताओ ना। और यार बड़ी महंगी सीट लगा के रखता है यार क्रिकेट बोर्ड, तो कृपया करके उनके नट बोल्ट खेल के प्लेयर पे ना फेंके, ये बड़ी शर्मिंदगी वाली बात है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अब अगर इसी हिसाब से हमें मैच देखने को मिले और क्राउड ऐसा ही देखने को मिला ना, तो यार मेरी प्लेयर्स को एक एडवाइस है, कृपया करके डगआउट में अपने अपने हेलमेट पहन के बैठ। प्लीज वेयर हेलमेट व्हेनेवर यू गेट ऑन बाइक। शेरों दी कौम पंजाबी। अबे भाई काहे की शेरों की कौम पंजाबी? आज पंजाब की बैटिंग को देख के तो एक प्रभ सिमरन पाजी थे ना, वो ही शेर की तरह खेल रहे थे, बाकी तो तुम सब गिदड़ बने हुए थे। क्या बात कर रहे बाबू, 167 के टोटल में 103 रन तो प्रभ पाजी के थे, और बाकी दूसरा जो हाईएस्ट टोटल था ना वो था सेम करन का। अब यार सेम करन को तो चलो छोड़ दो, उसकी तो बात में करेंगे, जो तीसरा सबसे हाईएस्ट टोटल था ना वो था एक्स्ट्रा रन का, 13 रन, बाकी पूरी टीम कुछ खेली नहीं, पाजी के शतक मारने के बावजूद भी 167 का ही टोटल पहुंचा। यार इस शेर स्कोर को कुछ शर्म करने की जरूरत है। क्या कर रहे हैं यार तू, मजाक है क्या? अब यार प्रभ सिमरन पाजी की बात करना काफी जरूरी है, क्योंकि यार ये साल ये आईपीएल इस बंदे के लिए ड्रीम आईपीएल रहा है। आज तो बंदे ने 42 बॉल में हाफ सेंचुरी कंप्लीट करी थी, लेकिन उसके बाद में जो अगले 50 थे ना वो बंदे ने 21 गेंद में कंप्लीट कर दिए। तो यार अपना बैटिंग का टेम्पो कब और कैसे बढ़ाना होता है आज प्रभ सिमरन पाजी से जाके सीख लो, अगर किसी को नहीं आता तो। तुम्हें पता है द गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन पाजी ने भी प्रभ सिमरन पाजी के बारे में 2 साल पहले कुछ बोला था। प्रभ सिमरन की बैटिंग मैंने ज्यादा देखी नहीं है, कल देखी थोड़ी बैटिंग और मुझे पसंद भी आई कि जिस तरह से उनका जो एक बैटिंग था और बैट स्विंग था फ्री फ्लोइंग था, और एक खास बात थी कि उनके जो बल्ले से आवाज आ रही थी वो आवाज बहुत अच्छी आवाज थी, तो
मुझे लगता है कि इस टूर्नामेंट में वो डेंजरस बैट्समैन साबित हो सकते हैं। सेम करन आईपीएल का सबसे महंगा प्लेयर जिसको 18.5 करोड़ रुपए देके पंजाब वालों ने खरीदा था। अब यार मेरे को तो एक चीज समझ में भी नहीं आती, कौन सा वो बेल बुद्धि का बंदा था जिसने पंजाब को ये एडवाइस किया था कि भाई इसको इतने रुपए में खरीदो। अबे भाई ये जो गर्मा गर्म तुम्हारे रुपयों के ऊपर हग रहा है ना हर मैच में, तुम ही बता दो कहां जस्टिफाई हो रहे हैं। बंदा 24 बॉल में 20 रन बना के गया आज। हाथ जोड़ना भाई, हाथ जोड़ना है, हाथ जोड़ना। 168 के टारगेट को चेज करने उतरी डीसी की टीम ऐसा खेल रही थी कि मानो यार इनको जीतने की बहुत जल्दी है, ये तो आज 15 ओवर में जीत के जाएंगे। और हमें आज पुराना वाला द विंटेज डेविड वार्नर भी देखने को मिला। बंदे ने 27 बॉल में 54 रन मारे 200 के स्ट्राइक रेट से, और एक समय तो इनका 6 ओवर में 69 रन था बिना विकेट के नुकसान पे। हर बार गर्म करके ठंडा ही छोड़ देते हमको। फाइनली डीसी ने अपने पैरों पे खुद ही कुल्हाड़ी मार के हार का स्वाद चख लिया, और बच्ची कुची कसर हरप्रीत बरार और राहुल चार ने पूरी कर दी। बरार पाजी ने अपने 4 ओवर के स्पेल में 30 रन देके 4 विकेट निकाले, वहीं राहुल चार ने अपने 4 ओवर के स्पेल में 16 रन देके 2 विकेट निकाले, और अपनी फिरकी में ऐसा फंसाया ना डीसी को कि वो वापस चेत ही नहीं कर पाई। फाइनली पंजाब की जीत से ये पॉइंट्स टेबल जो फंसी है ना, अब आगे के हर मैच हमें एक फाइनल मैच की तरह देखने को मिलने वाले, क्योंकि हर टीम के लिए डू एंड डाई वाले मुकाबले होने वाले हैं।